हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। फ्लिपकार्ट पर एक सेल स्टार्ट हुई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डे सेल कहा जा रहा है, इसका नाम है। और ये जो सेल है इसमें आपको मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पर कई सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे भी फ़ोन्स आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ और भी है, आपको रियलमी एक्स 50 प्रो इस सेल में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कितनी प्राइसिंग रहेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इसी तरह से रोज अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डे सेल की जो कि स्टार्ट हुई है फ्लिपकार्ट पर। और ये जो सेल स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है 10 जून से और चलेगी 13 जून तक। मतलब 3 दिन तक की ये सेल है। आज है 11 जून और इन तीनों दिनों के बीच में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स मिलेंगी, चाहे वो फ़ोन्स पर ले लो या फिर लैपटॉप वगैरह पर ले लो या फिर टीवी अप्लायंसेस वगैरह पर ले लो। खैर उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा कौन से फ़ोन्स पर आपको कितना ज़्यादा छूट देखने को मिलेगा और कौन कौन से फ़ोन पर आपको छूट नहीं मिलेगा ये भी बताऊँगा। सबसे पहले तो बात करेंगे 10,000 के अंदर आने वाले फ़ोन्स की। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे भी फ़ोन्स हैं जैसे नार्जो 30 सीरीज़ है और उसके बाद पोको M3 वाले जो सीरीज़ है, इसमें आपको कई सारे ऑफ़र्स भी मिल रहे हैं और इसकी जो प्राइसिंग है ये आपको 10,000 के अंदर मिल जाएंगे कार्ड वगैरह यूज़ करने के बाद। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर आपको 10,000 के आसपास की प्राइस रेंज में फ़ोन लेना है तो आप अच्छे फ़ोन्स ले सकते हो। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि रियलमी एक्स 50 प्रो का एक ऑप्शन 25,000 में कौन सा हो सकता है, यहाँ पर आपको MI 10T प्रो का जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो भी आपको 21 से 23 हज़ार के आसपास मिल रहा है। कैसे मिलेगा, आप कैसे इस फ़ोन को 21 से 23 हज़ार के अंदर खरीद सकोगे ये बता देता हूँ आपको मैं। अगर आप खोलोगे MI 10T प्रो तो आपको इसकी जो प्राइसिंग दिखेगी वो नॉर्मल डेज वाली ही दिखेगी, 32,000 के आसपास मिलेगी। लेकिन इसको आप 25,000 के अंदर की प्राइस में कैसे खरीद सकते हो, उसके लिए आपको आपके पास जो भी फ़ोन है चाहे वो कितना भी पुराना हो वो डिपेंड नहीं करता है। वहाँ पर आप एक्सचेंज में अगर आप जाके देखते हो, एक्सचेंज करते हो अपने फ़ोन को, तो आपको जो एक्सचेंज की वैल्यू मिल रही है वो कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। जैसे कि मेरे पास रियलमी नार्जो 20 प्रो है, उसको मैंने एक्सचेंज किया और ये जो फ़ोन मैंने लिया था लगभग 1 से 1.5 साल पहले इसको फ़ोन को लिया था और इसकी जो प्राइसिंग थी उस टाइम पर मैंने इसको 14,000 के आसपास ख़रीदा था। और यहाँ पर इस फ़ोन के साथ अगर मैं एक्सचेंज करता हूँ रियलमी नार्जो 20 प्रो को, इसकी जो एक्सचेंज वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है 13,500 के समथिंग अप्रॉक्स आपको मिल जा रही है इसकी जो प्राइसिंग है। और इस हिसाब से जब आपको एक्सचेंज करते हो रियलमी नार्जो 20 प्रो को या फिर कोई भी फ़ोन को MI 20 प्रो के साथ में, तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो सीधे 23,000 के आसपास मिल जा रही है। यानी कि अगर थोड़ा और भी महंगा आपके पास अगर फ़ोन है तो उसकी जो प्राइसिंग होगी वो मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास मिल जानी चाहिए। नहीं मिलती है वो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप अगर कार्ड वगैरह यूज़ करते हो पेमेंट के लिए, इंस्टेंट पेमेंट के लिए, तब भी आपको अच्छी खासी छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तब आपको 2,500 रुपये तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं मोटी मोटा बताऊँ कि आपको कितने तक MI 20 प्रो मिल जाएगा, तो आप देखोगे तो आपको 20 के थोड़ा सा ऊपर ही देखने को मिलेगा और 25 से बहुत कम ही देखने को मिलेगा। यानी कि MI 20 प्रो एक बेस्ट ऑप्शन भी आपके लिए रहेगा रियलमी एक्स 50 प्रो का। और उसके बाद आपको इसमें अच्छी खासी फीचर्स भी देखने को मिल रही हैं। भले ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रही है, लेकिन आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे आप BGMI की परफॉर्मेंस ले लो। और इस फ़ोन में आपको 90 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, कन्फर्म चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको। भले ही रियलमी एक्स 50 प्रो में शायद ही मिले आपको 90 FPS, लेकिन आपको कन्फर्म मैं बता रहा हूँ MI 20 प्रो में अगर आपको 90 FPS चाहिए तो आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। बाकी अच्छी खासी आपको फीचर्स भी मिल रही हैं, 108 MP का कैमरा वगैरह सब कुछ तगड़ा मिल रहा है इस फ़ोन में। तो अगर आपको ये फ़ोन सस्ते में मिल जा रहा है तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और दूसरी बात, ये फ्यूचर प्रूफ भी है, 5G फ़ोन है, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप रियलमी एक्स 50 प्रो का एक ऑप्शन खोज रहे हो 25,000 के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन बेस्ट रहेगा। बाकी और भी फ़ोन्स पर आपको ऑफ़र मिलेंगे, आप रियलमी के और भी फ़ोन्स पर ऑफ़र देख सकते हो। रियलमी X3 सुपर जूम पर भी आपको अच्छी खासी छूट मिल रही है, वो देख लीजिएगा आपके पास स्टॉक में दिखा रहा है या फिर नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ रियलमी एक्स 50 प्रो की, तो इसका जो प्राइस है
पहले 25,000 तक आपको पिछले सेल्स में मिलता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये इसका स्टॉक कम होने लगा तो इसकी प्राइसिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज होने लगती है। लेकिन इस सेल में जैसे ये सेल स्टार्ट हुई 10 तारीख से, तभी से इसका जो प्राइस है वो 41,000 के आसपास पहुंच गया। 8GB रैम वाले वेरियंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो प्राइस है 41,000 के आसपास मिल रहा है, और 12GB रैम वाले फ़ोन का जो प्राइस है वो आपको 47,000 के आसपास मिल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसकी जो प्राइसिंग है ये आपके साथ थोड़ा सा खेल कर रहा है, आप कह सकते हो फ्लिपकार्ट, क्योंकि Realme X50 Pro की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले सेल्स के अगर आप कंपेयर करोगे तो इतना ज़्यादा ये फ़ोन बिक गया था कि इनके पास खुद के पास स्टॉक ख़त्म हो गया था। कभी कभी स्टॉक आता था एक दो फोन्स का, तो वो आप देख रहे थे। लेकिन इस सेल में क्या किया इन्होंने, इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब 25,000 कहाँ मिल रहा था आपको, अब कहाँ आपको 41,000 मिल रहा है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब मेरे हिसाब से जो Realme X50 Pro की प्राइसिंग है वो तो कम होने से रही, क्योंकि इनके पास जो स्टॉक है वो लिमिटेड हो गया है, और लिमिटेड स्टॉक होने के बाद ये पैसा कमाएंगे आपसे। तो आप ये देख लेना कि अगर आपको Realme X50 Pro सस्ते दाम पर मिल रहा है तो आप बेस्ट हो, आप लकी हो, इस बात की कोई भी आपको डाउट नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक चीज़ जान लो, क्योंकि Realme स्टोर पर भी आपको ये Realme X50 Pro नहीं दिखाई देगा, और Flipkart पर ही मिल रहा है तो आपको सस्ता दाम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको भी पैसा कमाना है, ये आपके दिमाग से खेल भी रहे हैं। तो अगर आपको Realme X50 Pro लेना है तो मेरे हिसाब से इतनी प्राइसिंग सही नहीं रहेगी इस फ़ोन के लिए। बाकी आप Realme X50 Pro का एक ऑप्शन देख सकते हो सस्ते दाम पर, वो है Mi 10T Pro, जिसमें कि आपको कैमरा वगैरह अच्छा मिल ही रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा जो डिस्प्ले है। डिस्प्ले आपको मिल रही है, सुपर एमोलेड नहीं मिल रही है, तो ये एक ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको 25,000 के अंदर Realme X50 Pro का एक ऑप्शन चाहिए तो Mi 10T Pro एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी इस सेल में और भी फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपको जो पोको X3 Pro है इसकी जो प्राइसिंग है वो भी 17,000 के आसपास मिल रही है, तो एक अच्छा गेमिंग फ़ोन है, 20,000 की प्राइस के अंदर आप उसको भी ले सकते हो। उसके बाद जो सैमसंग का F62 है, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगाया गया है, ओवरऑल अच्छा कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है F62 में, तो ये भी एक फ़ोन अच्छा मिल रहा है आपको, और 19,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग आपको मिल रही है इस सेल में। तो एक अच्छा ऑप्शन है, कौन सा भी फ़ोन आप ले सकते हो, वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको Realme X50 Pro लेना है तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर, 41,000 के प्राइस पॉइंट पर नहीं ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। बाकी ये जो सेल है आपको 10 से 13 तक चलेगी, इसमें आप कोई सा भी फ़ोन ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से रोज़ अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दीजिए।